महाराष्ट्रातील ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सीएनआय महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची बातमी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। सीएनआय महाराष्ट्र न्यूज तुमचे आमचे सर्वांचे। उल्हासनगर कॅम्प एक परिसरातील दीक्षा लॉजच्या मॅनेजरला तेथील शिवसेना शाखा प्रमुखाने जबर मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली असून या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। उल्हासनगर कॅम्प एक शहाड परिसरात दीक्षा नावाचे लॉज आहे। या लॉजमध्ये काही दिवसांपासून उल्हासनगर पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक रवींद्र बाबळे हे राहतात। त्यांना भेटण्यासाठी स्थानिक शाखा प्रमुख केदारे हे लॉजवर गेले असता बिस्लरीच्या पाण्यावरून केदारे आणि लॉज मॅनेजर यांच्यात बाचाबाची होऊन हाणामारी झाली। ही सर्व घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून यात मॅनेजर आणि शाखा प्रमुख जखमी झाले असून मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत। या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत। सीएनआय महाराष्ट्र न्यूजसाठी सलीम मंसूरी, ब्युरो चीफ, ठाणे उल्हासनगर। मैं नरेश केदार बोल, शिवसेना शाखा प्रमुख। सर मामला क्या है? मामला ऐसा है कि मैं गया था लॉज में बामरे साहब को मिलने के लिए और उनसे बातचीत करके मैं निकला और फिर बाद में वाना को पानी की बोतल के लिए मैंने बोला बामरे साहब पानी की बोतल मांग रहे हैं, उनको पानी की बोतल दो जाके। तो अन्ना बोलने लगा मेरे को, तू तीन चार दिन से आ रहा है, अकड़ के आ रहा है, जा रहा है। मैं बोला अन्ना को, मैं भाई पहली बार इधर आया हूँ तेरे लॉज में, मैं कभी आया नहीं इसके पहले। उसका क्या मालूम, साहब से कुछ था कि क्या था, उसने सीधा फावड़े के डंडे से निकाल के मेरे को मारना चालू किया। उसके बाद में मैं भाई आया, फ़ोन करे भाई लोग को, उसके बाद में उनको भी थोड़ा बहुत मार लगी, हमको भी साथ में थोड़ा मारपीट हुई। सदानंद अमीन। मैं मामला क्या है? एक एपे रहता है हमारा होटल में। क्या नाम है का? बामले करके, एपे रविंद्र बामले करके। तो उनका उनको मिलने के लिए लोग आए थे, एक रिक्शा वाला और ये लोग दो जन। तो आने के बाद अंदर वो लोग बैठे दारू पिए, उसके बाद बाहर आके हमारा लड़के लोग को बोलते ये क्वार्टर ला के दे, सेट को बोल बिस्लरी पानी दे। तो हम बोला हम नहीं देते, बोला हमारे पास नहीं मिलता, हम देता नहीं है। तो वो अंदर चले गए वापस, हम लोग नहीं देते बोले। तो फिर वो लोग वापस अंदर, वो लोग के पास दारू पड़ा था, वो पिए पिए फिर बाहर आए, काउंटर के पास आया, वो लंबा बाल वाला था एक, वो बोलते ये साहब को लड़की दे और मेरे को भी लड़की ला के देना। हम बोले क्या बोल रहे तेरे को, वो चार पाँच दिन पहले भी हमारे साथ ऐसा बोल के गया था। हम लोग उस दिन वार्निंग दिया था कि तुम ऐसा बोलने का नहीं इधर काउंटर में खड़ा रह के। हाँ, तो मैं सबको भी बताया था, उन्होंने ऐसा बोला बोल के। तो कल भी वही सेम हुआ, तो उसमें हमारा झगड़ा हो गया, मारामारी हो गया, उसमें लगा मेरे को।